हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है TCA साइकिल, मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल होता है उसी को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम क्रेब्स साइकिल। क्यों बोलते हैं क्रेब्स साइकिल? क्योंकि इस साइकिल की खोज हैंस एडल्फ क्रेब नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो अपने नाम के आधार पर क्या दे दिया? क्रेब्स साइकिल। ये होता क्या है? जैसे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में साइटोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लाइकोलिसिस। तो ये पायरुविक एसिड एंटर कर लेता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाता है। कहाँ पे आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये पायरुविक एसिड में लिंक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। ये हो गया। और लिंक रिएक्शन होने के बाद ये बदल जाती है एसिटिल कोएंजाइम ए में। किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के ये, क्योंकि ये 4 कार्बन का होता है और ये 2 कार्बन का होता है, 4 और 2 6 कार्बन का बना लेते हैं साइट्रिक एसिड। क्या बना लेते हैं? ये साइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये साइट्रिक एसिड मल्टीपल रिएक्शन द्वारा, जैसे सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऐसे मल्टीपल रिएक्शन द्वारा साइट्रिक एसिड बदलते जाता है। लगभग 10 स्टेप प्रोसेस चलती है और फाइनली पुनः क्या बना लेता है? 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिड किससे बना है? तो 2 कार्बन गया कहाँ? तो बीच में 2 स्टेप में CO2 के फॉर्म में 2 कार्बन निकल जाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म निकल गए? CO2 के फॉर्म निकल गए। तो फिर फायदा क्या हुआ इस साइकिल का, इस चक्र का क्या फायदा है? फिर जब ये गुजरते रहता है, इस प्रकार से साइकिल चलते रहता है, इसी बीच में हम NADH निकाल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल निकालते हैं? 3 स्टेप पर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? NADH। कितने जगह निकाल लेते हैं हम? 3 जगह पे NADH हमने निकाल लिया, NADH, ठीक है। कितने जगह NADH निकाल लिया? 3 जगह पे। और 1 जगह से हमने निकाल लिया FADH2। क्या निकाल लिया? FADH2। और 1 जगह से क्या निकाल लिया? डायरेक्ट GTP, एक प्रकार का एनर्जी है ये GTP, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी NADH दिखाई दे रहा है कि जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो 3 NADH निकलते हैं, 1 FADH2 निकलता है और 1 GTP निकलता है। ये तो डायरेक्ट एनर्जी है। ये जो बाकी 3 हैं, बाकी जो 4 हैं, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ से एनर्जी बनाते हैं, वहाँ से ATP बनाते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल क्या कहलाता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का उद्देश्य क्या होता है, बनाना क्या होता है? कि बार बार उसी साइकिल को रिपीट करके, रिजनरेट करके, वही एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसिड से मिलकर के वही बार बार रिपीट करके हमको इसी बीच से NADH, FADH2 और GTP बनाना होता है। और ये GTP तो डायरेक्ट एनर्जी है, जबकि NADH और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा करके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो TCA साइकिल होती है वो एनर्जी सिंथेसिस करने की एक साइकिल होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे फंक्शन की ओर, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कि जितना भी लिपिड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, जितना भी फैटी एसिड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के फिर मैट्रिक्स में होता है। मान लीजिए ये हमारा हो गया फैटी एसिड। क्या हो गया? ये फैटी एसिड, या हम बोल सकते हैं लिपिड, ठीक है, लिपिड। लिपिड में हम ऑक्सीडेशन करते हैं और यहाँ से फिर वही चीज़ निकाल लेते हैं। क्या बनाते हैं जी? NADH और FADH2। इन दोनों को फिर भेज देंगे कहाँ पे? वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जैसे अभी हमने क्रेब्स साइकिल में बनने वाले NADH FADH2 को भेजा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऐसे यहाँ से भी भेज देते हैं और जाके क्या बनाते हैं? एनर्जी। क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं वहीं भेजा के। तो फैटी एसिड से हमने तो NADH FADH2 निकाल लिया, तो बना क्या? इससे बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बन जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा? फिर जाएगा ये कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में। अभी जो हमने पढ़ा था TCA साइकिल, फिर वहाँ से NADH, FADH2 और GTP का फिर फायदा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है लिपिड का, वो भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है।